बिहार मांगे रोजगार, बिहार मांगे रोजगार। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए किसके साथ जाने के लिए तैयार है? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार है तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उसे इतिहास बनाया जाता है। इसलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ हुई बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का हक सम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती, ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी पड़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान दबा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को, उस आईन को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। और ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप परिवार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ, हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है, गिद्ध है। इस बात को आप याद रखिएगा और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको बुरा नहीं लगेगा? हमको क्या बनाया जा रहा है? अगर गांव में कोई मर जाता था, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं बनता था, वो ये ऐसे होता था कि नहीं होता था? बताइए, दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देवेंद्र सिंह एक पुलिस ऑफिसर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाए? आप मैं बताइए। अरे मानिए, मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक एडवेंचरिज्म के लिए उलझुल बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल की वो छोटी छोटी बच्चियां, कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, है तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये आज डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। इस डाइवर्ट एंड रूल के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश
राजनीति को लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की यहां बोल करके गई है बिहार की सारिका, उसने बताया कि अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे हमको काम मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में अपनी जान नहीं गवाए होते। आपको मालूम है कि जो लोग मारे गए हैं दंगों में वो बिहार और उत्तर प्रदेश के विस्थापित मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन बस्तियों में जाकर के रहते हैं। आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग और साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों में फर्क है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी करते हैं, साथ में मजदूरी कर रहे थे, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सेवइयां खा रहे थे। तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है, इस बात का हिसाब लिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से। सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक चोए कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे, आज भी कुछ लोग अपने पार्टी दफ्तरों में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा जब देश को जरूरत थी क्यों नहीं लोग निकले सड़कों पर, क्यों नहीं गए दिल्ली में सारे के सारे नेता, सारा का सारा ऑफिस दिल्ली में, लोग निकल करके अगर चले जाते तो दंगाई भाग जाते। हमने फेस किया है दंगाइयों को, 9 बार जनगणमन यात्रा के ऊपर हमला हुआ है, हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भारत के टट्टू हैं, इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे, ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। 9 बार हमला हुआ है, एक बार भी हम नहीं भागे, मैदान में डट करके खड़े हो गए कि आज अगर इस देश का बच्चा बच्चा आजादी का नारा लगा रहा है इसका मतलब सचमुच जो आजादी हमको 47 में मिली थी आज उसके ऊपर हमला है, उस पे खतरा है, और उसको बचाने के लिए, गुलामी को हराने के लिए हमको आजादी के नारे को बुलंद करते रहना पड़ेगा। और जब नारा लगाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं किस चीज से आजादी चाहिए, अरे आपकी बेईमानी से आजादी चाहिए साहब, आप ही की बेईमानी से आजादी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी बेटी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, आपका बच्चा तो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, आपका बच्चा तो अमेरिका में पढ़ता है, और हमारे घर के बच्चे जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बीरगुमती यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको 3 साल का बीए 5 साल में कराते हैं, लाज नहीं लगता है वो है लाज, मिलाइए जनता से आप, दीजिए जवाब। एक नौकरी करने वाला इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है तब जाकर के पक्का मकान बना पड़ता है। बेटा बेटी को पढ़ा करके बेटी का शादी करता है तो उसका सारा पीएफ का पैसा खत्म हो जाता है। बशीर बद्र साहब ने कहा है लोगों की उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। ये जो मोबाइल है ये मोबाइल हमारी ताकत है, इस मोबाइल ने हमको इंपावर किया, हमको शक्तिशाली बनाया है। देखिए बेईमानों को कि कितनी चालाकी से ये शक्ति आज हमारे हाथ से छीन ली, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके नीरज और नसीम को आपस में लड़ा रहे हैं, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके इस देश में कन्हैया और कामरान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उसी मोबाइल का इस्तेमाल करके एक तरफ गांधी जी के ऊपर फूल का माला भी चढ़ाते हैं और मनी मन गोडसे जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं, उसी मोबाइल के जरिए रोज नया मुद्दा आपके सामने फेंक करके जो आपका बुनियादी सवाल है उससे आपको गुमराह कर दिया जाता है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक एक आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है पिछले कुछ महीनों में, अगर आप बलात्कार की बात करेंगे हर 3 मिनट में बलात्कार की कोई घटना होती है। आप देख लीजिए जो बेसिक सुविधा की बात है कितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए चले जाइए तो जो मरीज का इलाज कराने के लिए जाएगा पेशेंट के साथ अटेंडेंट भी वापस बीमार होकर के आएगा, बोलिए ऐसी हालत है कि नहीं है, कहां जा रहा है बजट, क्या हो
पैसे का। सरकार कहती है कि शिक्षा पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हवाई जहाज पे उड़ने के लिए सरकार के पास पैसा है। तो ए बाबू, तुम घूमो घूमो हवाई जहाज में, और हमारा बच्चा ट्रेन की बॉगियों में, जनरल बॉगी में। जनरल बॉगी का बात आपको बताते हैं, जनरल बॉगी में अगर दिल्ली जाना हो ना, प्यास लगने पर भी लोग पानी नहीं पीता है कि पेशाब लग जाएगा तो कैसे जाएंगे पेशाब करने के लिए। बोलिए हकीकत है कि नहीं। जनरल बॉगी में दोनों बर्थ के ऊपर गमछा बांध करके उसके ऊपर लोग सो जाता है, खाता नहीं है। पच जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय जाना पड़ता है। इस देश की ऐसी हालत बना करके रखी है, और आप चाहते नहीं है कि बुनियादी सवालों पर बहस हो। जब पूरा देश एनआरसी में उलझा हुआ था, बड़ी चालाकी से एलआईसी को बेच दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब सरकारी बैंकों को बेचने की तैयारी की जा रही है। बिहार के जो पुरनका लोग हैं उनको ये बात याद होगा कि लोग कहते थे कि प्राइवेट बैंक में पैसा मत जमा कीजिए, प्राइवेट बैंक आपको ज्यादा ब्याज का लालच देगा, लेकिन कब आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा इसका गारंटी नहीं है। क्या जी, सब लोग आपको बता देंगे, जाइएगा देख लीजिएगा। पटना जंक्शन के बगल में जो पुल है, उस पुल के सामने से देखिएगा, कभी भी हेलियस ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। हेलियस बैंक बिहार में था कि नहीं था? कहां गया हेलियस बैंक? क्या हुआ पीएलएस बैंक का? क्या हुआ जेबीजी बैंक का? इस देश के गरीबों का जो 10 रुपया 20 रुपया रोज जमा करते थे, वो पैसा लेकर के भाग गया। और आज वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले में दक्ष नहीं है। अरे, अपनी दक्षता छुपाने के लिए, अपनी और क्षमता छुपाने के लिए आप बैंकों के ऊपर मत डालिए। अगर हम इस देश के लोग बुरी से बुरी परिस्थिति में बैंक को चला सकते हैं, तो हम बैंक को मुनाफा में भी ला सकते हैं। आप अपने कॉरपोरेट दोस्तों के साथ गलबहियां करना बंद कर दीजिए, सरकारी बैंक मुनाफे में आ जाएंगे। कहते हैं एनपीए का बात, किसान का जो कर्जा है ये एनपीए है, लेकिन जो कॉरपोरेट का 1,76,000 करोड़ रुपया जो कर्जा माफ किया गया, वो एनपीए की चर्चा नहीं कर रहे हैं। देश में लूट मची हुई है, इसीलिए देश की जनता को धर्म के नाम पर उलझाया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे जो अपनी पूरी जवानी सरकारी नौकरी खोजने में बिताते हैं, उन बच्चों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये जो धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दंगा करने वाले लोग हैं, ये हमारे घरों को जलाते रहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि आपकी कोई जात नहीं होती और आपका कोई धर्म नहीं होता। आग जब लगता है तो उसके सामने जो भी पड़ता है वो उसका घर जला देता है, उसका जीवन जला देता है। हमको इस आग को बुझाना पड़ेगा, और अगर हम आग बुझाना चाहते हैं तो कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, नफरत से नफरत को नहीं हराया जा सकता है। जैसे कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही नफरत को हराने के लिए मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई आकर के आपके धर्म का नाम ले, कोई अगर सिर्फ हिंदू हिंदू बोले, तब भी सावधान हो जाइए, और कोई अगर आकर के सिर्फ मुसलमान मुसलमान बोले, तब भी आप सावधान हो जाइए। क्योंकि इस देश के इतिहास ने यही हमको सिखाया है कि जिन्ना ने गांधी के साथ दोस्ती नहीं की, लेकिन सावरकर के साथ दोस्ती कर ली थी और हिंदू महासभा के साथ मिलकर के सरकार बनाया था, ये इतिहास याद रखिएगा। ये इतिहास इस देश में ना दोबारा दोहराया जाए, इसीलिए इस देश में हमको ये तय करना पड़ेगा, हम तमाम लोगों को यह तय करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कि हमको गोडसे के रास्ते पे चलना है, जिन्ना के रास्ते पे चलना है, या हमको भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलना है। ये बात हमको